हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। इस वीडियो में हम सीखेंगे एब्स वर्कआउट विद सस्पेंशन बैंड। तो शुरू करते हैं। तो ये मेरा फ्रेंड ओमकार जो मुझे असिस्ट करेगा आज का वर्कआउट डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। सबसे पहला वर्कआउट है फॉरवर्ड क्रंचेस, जिस तरीके से मूवमेंट करनी है आपको। इसमें आपके कोर के मसल वर्क करने, फोकस करना है कोर के ऊपर। ब्रीद आउट एंड ब्रीद इन ऊपर आने के बाद करना है। अगर हार्ड जा रहे हैं तो हाथ से थोड़ा सा असिस्ट कर सकते, हेल्प ले सकते। ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है कोर के ऊपर। हमारा अगला वर्कआउट है सिटअप्स, जिसमें आपको आपके पैर सस्पेंशन बैंड में अटकाने हैं। कुछ इस तरीके से मूवमेंट करनी है, पूरा लेट जाना है पीछे, ऊपर आने के बाद टो को टच करना है, एटलीस्ट नी के आगे टच करना है। फुल एनर्जी के साथ करना है एक्सक्लूसिव मूवमेंट। हमारा अगला वर्कआउट है लेग फ्लाइज, जिसमें आपकी लोअर बॉडी पूरी हवा में उठी रहेगी, सिर्फ आपके अपर बैक टच रहेगी, और पैरों में कुछ इस तरीके से मूवमेंट करनी है जिसमें आपके ऑब्लिक्स के मसल वर्क होंगे यहाँ के। इसमें कंटिन्यू ब्रीदिंग रखना है आपको। हमारा अगला वर्कआउट है लेग प्रेस, जिसमें आपके एब्स के मसल वर्क होंगे। ये सिर्फ लेग प्रेस जैसी मूवमेंट है, इसलिए मैंने इसको लेग प्रेस नाम दिया है। बाकी आपके एब्स के मसल के ऊपर फोकस करना है, हिप हल्का सा हवा में उठा के रखना है, पूरा एक्सटेंड करना है लेग, और ऊपर आते वक्त ब्रीद आउट करना है। ब्रीद आउट एंड ब्रीद इन, फोकस करना है एब्स के मसल के ऊपर। हमारा अगला वर्कआउट वेरिएशन है प्लैंक टू पाइप, जिसमें आपको प्लैंक पोजीशन में जाना है सबसे पहले, फिर पाइक पोजीशन में जाना है, मतलब आपके हिप को हवा में उठाना है, एक्सटेंड करना है ऊपर पूरा बॉडी, स्लो डाउन एंड अप। इस वर्कआउट में आपको जितने रेपिटेशन होंगे उतने रेपिटेशन के दो सेट्स करने, क्योंकि ये बहुत हार्ड है कोर के लिए। धीरे धीरे आप रेपिटेशंस और सेट्स बढ़ा सकते हैं, बिगनर के लिए दो सेट से बहुत हो जाएगी। अगला वर्कआउट वेरिएशन है रॉकिंग प्लैंक, जैसे रॉकिंग चेयर होती है वैसे रॉकिंग प्लैंक करना है। प्लैंक पोजीशन होल्ड करके बॉडी को आगे पीछे मूव करना है एल्बो और शोल्डर जॉइंट से, कुछ इस तरीके से। इसको भी आप मैक्सिमम होल्ड कर सकते और टू टाइम्स अटेम्प्ट करना है, ज़्यादा नहीं करना है, बिगनर के लिए दो मोर देन इनफ। हमारा अगला वर्कआउट वेरिएशन है प्लैंक क्रंचेस, जिसमें आपको प्लैंक पोजीशन करके क्रंचेस करना है लोअर एब्स के लिए, कुछ इस तरीके से। पूरा क्रंच करना है अंदर पैरों को, स्लो डाउन एंड क्रंच। पैर अंदर आने के बाद ब्रीद आउट एंड ब्रीद इन करना है। हमारा अगला वर्कआउट वेरिएशन है पेंडुलम, जिसमें आपको प्लैंक पोजीशन होल्ड करके बॉडी स्विंग करनी है राइट टू लेफ्ट। इसमें आपके ऑब्लिक्स के मसल वर्क होंगे, ये भी आप मैक्स टू टाइम्स करना है। हमारा अगला वर्कआउट है एब्स रोल आउट, थोड़ा ट्रिकी है। इसमें आपको कोर के ऊपर फोकस करके आगे मूव होना है, चैलेंज करना है आपके एब्स के मसल को, जितना आगे जा सकते हो उतना फोकस करना है एब्स के ऊपर ही। स्लो डाउन एंड अप, नीचे आने के बाद ब्रीद आउट। सबसे लास्ट में आपको करना है प्लैंक। ये प्लैंक इन सब एक्सरसाइज में सबसे इजी एक्सरसाइज आपको लगेगा, पर इसमें भी आपके पैर हवा में है, मूव हो गए इधर उधर, बैलेंस करने के लिए कोर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करेगा। तो ये वर्कआउट वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता। Hi guys, today we had an abs workout with UV Fitness channel. It was a great session. For more such updates, subscribe and share with your friends. Support this guy.
एंड शो योर लव फॉर हिम. थैंक यू. तो यही था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने सीखा एब्स वर्कआउट विद सस्पेंशन बैंड. हमारा अगला वर्कआउट वीडियो आएगा 25 दिसंबर को जिसमें हम सीखेंगे अपर बॉडी वर्कआउट विद सस्पेंशन बैंड. तब तक के लिए जय शिवा.